से आपका परिचय और आज कहाँ रहा है? सबसे बड़ी बात, मेरा नाम प्रशांत सिंह है। आज हमारी एक मूवी बन रही है जिसका नाम है सैया सुपरस्टार। मेरा परिचय ये है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इस पिक्चर में मैं एक दोस्त का भूमिका निभा रहा हूँ। एक हीरो हैं जो उनका नाम अमरीश सिंह जी है। ये स्टोरी एक ऐसी है कि एक गांव में दो अलग अलग गांव हैं जिसमें दो लड़के पढ़ाई करते हैं और दोनों दोस्त होते हैं, पर बाद में कुछ कारणवश ये दोस्त एक जानी दुश्मन बन जाते हैं। और अच्छी पिक्चर है, मैं पहली बार कदम रख रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ में। मैं चाहता हूँ कि दर्शकों का और आप लोगों का मुझे प्यार मिले, कि आने वाले समय में मैं और भी अच्छी अच्छी मूवियाँ बनाऊँ और इस पहली एंट्री को एक धमाकेदार एंट्री में दूँ। तो आपकी क्या पहली फिल्म है ये? मेरी पहली फिल्म है। इसके पहले मैंने एक छोटा छोटा एक अवार्ड शो करता था और आज उसको कुछ तरह से लोगों के संदेह पहुँचाना भी थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, अभी ऐसा है ना कि सर, अभी तो शुरुआत किया है, अभी मैंने किसी हीरोइन को साइन नहीं किया है। फिलहाल हीरो में अमरीश सिंह जी को हमने साइन किया है और आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। दर्शकों क्या कहेंगे अपनी इस फिल्म को लेकर? दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्यार दें और बस मेरी मूवी पे थोड़ा देखें, और जो प्यार और लोगों को भी आपने लोगों ने दिया है उस तरह अपने इस छोटे भाई को भी एक प्यार दीजिए और हमें उस बुलंदियों पे ले जाइए कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम आपका साथ दें और भी मूवी। थैंक यू। हम लोग कटे हुए आपका परिचय देते हुए मीडिया से और फिल्म के बारे में। प्रशांत जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उनका हो गया? हाँ बोलिए सर। तो अमरीश जी बात करें आज सैया सुपरस्टार के बारे में। बिल्कुल, जैसे कि हर एक सैया के लिए उसका सैया स्टार तो होता ही है, तो उसी तरह ये फिल्म जो है सैया सुपरस्टार एक अलग जो कि स्टार है, और वो फिल्म बनने के बाद ही वो स्टार लोगों के बीच में चमकेगा और लोगों को पता चलेगा कि इस स्टार की क्या अहमियत है और कैसे स्टार बना है। और देखा जाए तो आप भी मीडिया में राइजिंग स्टार पब्लिक के बीच बन चुके हैं, हमसे बढ़कर कौन तहलका मचा रहा है कल से यूपी और दिल्ली में भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, मैं सभी दर्शकों को जो भोजपुरिया दर्शक हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उनका प्यार, उनका दुलार जो इस अमरीश को लगा है, मैं सदा चाहूँगा कि हर फिल्मों में इसी तरह बनते रहे, और मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस कलाकार को उन्होंने नवाजा है, पसंद किया है। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि प्यार की बात की जाए, तो आपके जो हमसे बढ़कर कौन में दो प्रेम क्या है, स्वीटी छाबड़ा जी और पुरामिट जी आज भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, स्वीटी जी हैं, अप्पू जी हैं, अपूर्वा जी हैं, और भी लोग आने वाले थे लेकिन शूटिंग की वजह से व्यस्त थे, लेकिन आज ही स्वीटी जी बाहर थी और आते ही मैंने फ़ोन किया, बोली बिल्कुल मैं आऊँगी, और मेरे अच्छे दोस्त हैं और अपूर्वा जी भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल आना है। और मैं कहूँगा कि स्टार के लिए स्टार की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक प्यार की ज़रूरत होती है, तो प्यार देने के लिए हमारे दोस्त बिल्कुल आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, बात करें वाली किशन जी की, उनके साथ आपने कई फिल्में कर ली हैं। अभी गए 2-3 महीने पहले हमने शूटिंग ख़त्म किया है, राजेश भैया उसमें हैं और मैं हूँ, रितु जी भी हैं। वो बालकिशन भैया की डायरेक्शन में हमने शूटिंग किया यूपी मिर्ज़ापुर विंध्याचल में, इसके बाद सेकंड शूट हमने किया राजपिपला में, बड़े ही खूबसूरत ढंग से, जिसका नाम है फिल्म का कि कंगना का इंतकाम, तो शायद अगले महीने वो भी रिलीज पे है, और बड़ा ही अच्छा लगा, और वही स्नेह प्यार पूरी टीम का बना रहा कि हम इस दूसरी फिल्म में भी उसी तरह नजर आएंगे और उसी प्यार के साथ आगे निभाएंगे और आगे काम करते जाएंगे।
अजय जी आप क्या कहना चाहेंगे आज संजय सुपरस्टार के लिए? भाई शायद मैं नया हूँगा इंडस्ट्री के लिए, मैं राजेश निकुम, सैया सुपरस्टार के लिए क्या कहूँ, ये टाइटल ही अपने आप में सुपरस्टार है, जिसको सुन के ही मन में गुदगुदी होने लगती है। मैं प्रशांत सिंह जी को बहुत बहुत तहे दिल से दुआएं देता हूँ कि वो फिल्म बनाए और हम लोग दिलो जान से उसकी फिल्म में काम करेंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि ये फिल्म सुपर हिट होगी। आप किस रूप में नजर आने वाले हैं इसमें? हाँ, वो तो सस्पेंस है, वो सस्पेंस है, वो उसके लिए थोड़ा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को। जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। सुनी जी बात करें, आज सैया सुपरस्टार का मूड हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या विषय? मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले तो सैया सुपरस्टार की पूरी टीम को कांग्रेचुलेशंस, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे कि नाम बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही नया है सैया सुपरस्टार, तो मुझे लगता है इसमें जो भी स्टार होंगे वो सही में सुपरस्टार की तरह चमकेंगे। और मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी जानी चाहिए, बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि टाइटल बहुत अच्छा है। और बस मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस पूरी टीम। बालकिशन जी डायरेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही नेक इंसान है वो, और मैंने आज तक उनके साथ काम नहीं किया है, होप शायद मैं उनके साथ बहुत जल्दी काम करूँ। बात करें आपकी फिल्म बिहार के बाद यूपी और दिल्ली में हमसे बढ़कर कौन के बीच में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी दर्शकों का बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला। हमसे बढ़कर कौन हमारी फिल्म अभी रिलीज़ हुई है और चौथा वीक चल रहा है हम लोग की फिल्म को, और बहुत जल्दी जो फिल्म है वो मुंबई रिलीज़ होने वाली है और यूपी रिलीज़ होने वाली है, अभी बिहार चल रही है। तो जितना प्यार आप लोगों ने वहाँ दिया है यहाँ भी दें, फिल्म को और आगे बढ़ाएं और इसी तरीके से हमसे बढ़कर से बढ़कर फिल्म में हम आपको दें और एंटरटेनमेंट दें, और बस इतना प्यार बनाए रखिए। मैं स्वीटी छाबड़ा बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सभी ऑडियंस का, यहाँ आए हुए सभी लोगों का और आप सभी मीडिया का, थैंक यू। सैया सुपरस्टार वो अपने में ही सुपरस्टार हैं, क्योंकि हर मुझे जो ये पता है कि बिहार में जितने भी सारे लेडीज़ हैं या घर के औरतें हैं तो अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं अपने हीरोइज़म दिखना चाहता है कि ये हीरो मेरा हस्बैंड ऐसा हो, तो ये फिल्म मुझे लगता है उसी टाइप्स का कुछ बनेगा। और बहुत अच्छी टाइटल है सैया सुपरस्टार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा टाइटल सुन के कि सुपरस्टार। पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, खास करके प्रोड्यूसर प्रशांत जी को, और जिनके बारे में नहीं बताएंगे तो बहुत मिस कर जाऊंगी और उनसे बहुत मार भी पड़ेगी, वो है हम लोग के डायरेक्टर बालकिशन जी। मैं जब मुंबई में पहली बार आई थी उनके डायरेक्शन में काम की, तो मेरे गुरु जी बोल सकते हैं, गुरु जी हैं, और मैं चाहूँगी आगे भी उनके सारे बहुत सारे काम करूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो आप प्लीज़ उनके लिए भी मेरे लिए बहुत सारे विशेष है। जी हमसे बढ़कर कौन थोड़ी सी अलग टाइप की स्टोरी है, उसमें लेडी ओरिएंटल मूवी है, हर लड़की अपने कैसे अपने आप को बचा सकता है आज के डेट में ये सब दिखाए गए हैं। और हमसे बढ़कर कौन मुझे लगता है ये लड़की के लिए बहुत ज़्यादा एक इनक्रेज करने वाली स्टोरी है कि घर के जितने भी औरतें हैं या लड़की है उस वो इस जगह पे पहुंच सके, अपने प्रोटेक्ट कर सके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, मैं आप लोग का आभारी हूँ कि आप लोग इस फिल्म को बहुत मतलब प्यार किए, खास करके मेरे गाने को मैंने सुना कि मेरे और अमरीश जी के जो गाने हैं तो आप लोग को बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर बीच में मैम आपका परिचय और इस फिल्म के बारे में। मैं रितु शास्त्री और मैं बनारस से हूँ, और मैंने अभी अभी शूट कंप्लीट किया है कंगना का इंतकाम, जो जिसकी प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ और कंगना का रोल भी मैं ही प्ले कर रही हूँ। और यह सैया सुपरस्टार हमारी अपकमिंग मूवी है, प्रोड्यूसर मिस्टर प्रशांत सिंह और डायरेक्टर मिस्टर बालकृष्ण सिंह जी की फिल्म है, और होप्स हो कि मैं भी इसमें काम करूं। बात करें बालकृष्ण जी की, तो उनके साथ कंगना की निजाम उनके डायरेक्शन में आपने काम कर लिया, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? कंगना का इंतकाम डायरेक्टेड बाय बालकृष्ण सिंह जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और काम करके बहुत कम्फर्टेबल फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। अब आगे
दर्शकों के हाथ में, पब्लिक कितना पसंद करती है हमारी फिल्म को। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? फिल्म हमने अच्छी बनाई है, हमने 100% दिया है। प्लीज़ हॉल तक जाएं, हमारी फिल्म को देखें, लाइक करें। घबराहट हो रही है सैया सुपर स्टार। भैया ये बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छी स्टोरी, लव स्टोरी फिल्म है जिसमें हीरोइन का बहुत बड़ा रोल है। अपने सैया को स्टार बनाने में बहुत ये जी जान लगा देती है। सर, इस फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ हो रही है? अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग यहीं करेंगे सिलवासा, दमन वगैरह में, और बहुत जल्द हम लोग इसको शूट करने वाले हैं। कब तक दर्शकों देखने को मिलेंगे? और दर्शक हम दशहरे में दिखाएंगे। बात कीजिए फिल्म के स्टार कास्ट के, इसमें कौन-कौन? अभी तो फिल्म फाइनल नहीं हुआ है, बताएंगे आपको। आज गाना रिकॉर्ड हुआ, क्या कहना चाहेंगे? गाने बहुत अच्छा है, अभय दुबे ने बहुत अच्छा कंपोज किया है, बहुत प्यारा गाना बना है, और प्रिंस दुबे ने बहुत अच्छा लिखा है। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है। ये भी आपके जैसे कि सबने फिल्म कंप्लीट हुई कंगना के काम, क्या वो पूरी टीम इसमें नजर आएगी? काफ़ी लोग उसमें, उस फिल्म के लोग इस पिक्चर में हैं, और टेक्नीशियन हमारे पूरे वही लोग हैं, और ये सिंगर भी हमारे, गीतकार भी उसमें के हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर भी उसी के हैं, काफ़ी लोग हमारी लगभग काफ़ी टीम सेम टीम इसी में। थैंक यू सर। चलिए हाँ। तो घर एक मन नहीं आवा, तुम्हें कहा देखे जैसा टाइटल मिला वैसा गाना।